आदाब, मैं सबा नाज़ और मेरे साथ खबर आसासूल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल ट्रीटी रोड और बाईपास, सब तरफ से है पास दीवाने खास। हमसा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन। अब फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। और आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नरसिंह बांध के बाशिंदों ने कल शाम हीरापुर थाना में कलाली को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि कलाली में लोग शराब के लिए आते हैं, कभी वो रास्ते में पड़े रहते हैं तो कभी गाली गलौज करते हैं, इससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेल का मैदान भी शराबियों का अड्डा बन चुका है, इसलिए उन लोगों की मांग है कि ये लोग अगर यहाँ आए और कलाली से शराब ले तो कहीं और जाकर पिए। वहीं हीरापुर थाना पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी शिकायत को दूर की जाएगी। हालांकि कलाली के सामने भी पोस्टर लगाया गया है कि दुकान के सामने शराब पीना सख्त मना है। अरे थाना है, हम लोग को माँ बहन को डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए थाना है, रास्ता से निकलने नहीं पा रहे, रास्ता नहीं रहता। हम लोग डॉक्टर दारू अपना ले जाए कहीं भी पिए, लेकिन हुआ दारू नहीं पिएगा। कलाली में, कलाली में रास्ते में गाड़ी खड़ा, हम लोग जाते हैं डॉक्टर दुकान जाते कोई सामान लेने के लिए, भैया गाड़ी हटाइए, भैया गाड़ी हटाइए, बेटा गाड़ी हटाइए, कोई सुन नहीं रहा, सब पी रहा, कोई गंदा गंदा गाली दे रहा, ये गलत बात है ना। हम लोग तो माँ बूढ़ा आदमी, लड़की लोग बहू लोग भी सब आना जाना करती है, से पार होते हैं सर कलाली पर, कलाली पर नरसिंहबान, कलाली नरसिंहबान कलाली पर ऑप्शन नहीं है। थाना में हम लोग यही बोलने आए, हम लोग झगड़ा लड़ाई करेंगे तो बेकार फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग थाना आके दारू ले घर जाए, अपना शराब उठाए अपना घर में जाइए, पीना खाना हम लोग का यहाँ मैदान में कलाली में नहीं करेगा, रास्ता बीच में गाड़ी गाड़ी नहीं खड़ा करेगा। पुलिस बोले कि हम लोग को आप पेपर दिए लिख के, हाँ लिखित दिए, बस हम लोग इसके लिए एक्शन ले रहे हैं। हम लोग का प्रॉब्लम आज बहुत साल से हम लोग को वहाँ झेल रहे, सारा लेडीज लोग झेल रहे हैं, वहाँ पे इतना मेला लगता है, मतलब रहमत नगर, दमोदर, बुदा, इधर न्यू टाउन, कहाँ कहाँ से सब आदमी, कारखाना से जितना सब आदमी आता है वहाँ बैठ के मेला लगता है, वहाँ शराब पी रहा बैठ के, नरसिंह बांध कलाली में अंबेडकर कॉलोनी के पास में, वहाँ काली मंदिर के बगल में मंदिर भी है, स्कूल भी है वहाँ पास में, मगर कोई तरह का कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, मतलब पी रहा तो सोच रहा कलाली का ज़्यादा बिक्री हो रहा, कलाली शराब ज़्यादा बिक्री कर पा रहा, उससे मेला लगा वहाँ पे 20 तो दुकान खुला हुआ, बैठ के गाली गुली कर रहा है, लेडीज लोग को आना जाना, हम लोग बच्चा लोग को लेके आना जाना कर रहे हैं, स्कूल आना जाना, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत वो लड़की लोग देख रही उसको शराब पी रहा बैठा हुआ, कोई नंगटा पड़ा हुआ है शराब पी रहा, पुलिस से मतलब जा रहा है तो, हाँ डेली वहाँ मारपीट झूठ झमेला वहाँ डेली हो रहा, और जब दूसरा घर में चलने वाला रास्ता में बोतल फोड़ देता है, बोतल फोड़ कैसे चलता है रास्ता में, गुंडा मतलब वो हो गया गुंडा, दारू पिया तब तक गुंडा, दारू उतर गया उसका गुंडागिरी खत्म चला गया, क्रिकेट खेलने के लिए, हाँ दारू पीने के लिए हो गया वहाँ पूरा, पहले क्रिकेट खेलते रहा बच्चा लोग, अभी उस रेलवे लाइन का बगल में मैदान, अभी उस शराब पीने का अड्डा हो गया मैदान पूरा, वहाँ पूरा कोई खेला गली नहीं हो रहा, सिर्फ वहाँ शराबी लोग बैठ रहा है वहाँ पे जी हाँ। अच्छा और एकदम रास्ते में वो कलाली के बगल में एक आदमी रहता है, वो जानवर पाल के रखा हुआ है वहाँ पे, वो धंधा कर रहा है,
छोटे छोटे बाल बच्चे जानवर लोग को लेके धंधा कर रहा है, एक उसको क्रॉस करा रहा तो एकदम ओपन क्रॉस करा रहा वहाँ मैदान में, सारा लेडीज लोग आना जाना कर रहा, उसको देख रहा, वो लोग कितने बार प्रोटेस्ट की मना की मगर वो लोग नहीं सुनता। रोड पे घर बनाए, रोड पे जो इच्छा करेगा, मतलब आदमी को तकलीफ वो समझे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 29 में सफी मोड़ पर बने दुकानों के दुकानदारों ने गंदगी और नाली के साफ सफाई ना होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि बारिश का मौसम है और इधर उधर पानी जम जाता है, इतनी गंदगी है और नालियों की सफाई भी नहीं होती, ऐसे में डेंगू होने का खदशा है। उनका कहना है कि काउंसलर की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं वार्ड काउंसलर गौरव गुप्ता ने कहा कि इलाके में साफ सफाई का काम होता रहता है, लेकिन बात जिस जगह की हो रही है वहां के दुकानदारों ने खुद जगह को ब्लॉक करके रखा है। जब तक वो जगह खाली नहीं करेंगे, वो जब तक जगह नहीं देंगे, तब तक साफ सफाई कैसे होगी। प्रॉब्लम हुआ है वो नाली जाम लेकर हम लोग कचरा परेशानी होता है साफ करने में यार, क्या काउंसलर को पहले बोले? हाँ बोला होगा, सब तो बोलते हैं करा ले, तो कहीं बोलता है ये तूफान हटाया सब सफा करेगा, तो कहीं बोलता है ये सब बहाना बाजी करता है। बहुत शुक्रिया। नाम लल्लू जय सर। क्या बोलते हैं? देखिए सफी मोड़ इलाका में जो आप धक्कर और घुस रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारा दुकान है लगातार, उधर में हम लोग का सब साफ सफाई हो गया। वहाँ पे दुकानदार लोग खुद से सब सिलाब को हटवाएं और जितना वहाँ कचरा था, अब देखिए चार दिन पहले पूरा सफाई हुआ वहाँ पे, हाई ड्रेन सफाई हुआ शरी महाराज के मंदिर के नीचे में, नली का जो दुकान के सामने जितना नली है सबका सिलाब हटाया दुकानदार लोग, सब कचरा साफ हो गया, लगातार होता रहता है। ठीक है, और इधर जहाँ का आप समस्या बता रहे हैं वहाँ पर दुकानदार लोग ब्लॉक करके रखा, वो लोग दुकान को भी नहीं है साइड करेगा, उन लोग को बहुत बार बोला गया है कि भाई आप जिस दिन दुकान को बंद करके आप बिला दुकान का आप सिलाब को वहाँ से दुकान थोड़ा साइड कीजिए ताकि सिलाब हटा के पूरा सफाई किया जा सके, तो उसको लोग उस पर कॉपरेट करेगा नहीं नगर निगम को, अगर तो हमारा जो सफाई कर्मचारी उसके से कैसे सफाई करेंगे। प्रॉब्लम तो यही पे है, अगर आप दुकान है आपका, ठीक है आपका रोजगार का जगह है, ठीक है वहाँ पर आप नली जो ड्रेन है उसी के ऊपर में सब दुकान बना कर रखें, आप ड्रेन को तो क्लियर देंगे तब तो हमारे सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे। हमारे वार्ड की जितने भी सफाई कर्मी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, पूरा वार्ड को साफ सफाई करते हैं। स्पेशली सिर्फ एक जगह बच जा रहा है सभी मोड़ में जो फूट पे सब दुकान है, वो लोग अपना अपना गुमती ठेला बना के लगाए हैं, जो वो लोग वहाँ पे जगह क्लियर करेंगे नहीं, अगर तो जगह अगर देंगे नहीं तो वहाँ पे सफाई होगा कैसे? प्रॉब्लम तो यही है। गौरव गुप्ता, पार्षद, वार्ड नंबर 29।
क्या आप हैं एडवेंचरस तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH-19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगे और भी बेहतर। ट्रेन, GT रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास। जी हाँ, दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8,500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप, 600 स्क्वायर फीट वाला किचन और डेकोरेटर्स के सारे सामानों की है सहूलियत। 2,000 की कैपेसिटी और 250 लोगों की एक बैच में खाने का इंतजाम। AC रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 एंट्रेंस CCTV कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो के रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिरपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, अपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अरे যতদিন আমি সেটা দেখো দিয়া 86 সে ব্লাড ডোনেশন মুভমেন্ট যখন শুরু হুয়া হাম লোগ কা অ্যাডভাইজার অ্যাডভাইজার মানে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গাল কে রক্তদান আন্দোলন কে ভূমি এখানে সোনা তাই আসত যে লোক দেখি আবু গাতা আর আমারে রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার हम विशेष कर हमारे पंकज सांकोलिया उसके पूरी टीम
এই মুহূর্তে প্রায় পাঁচ ছ দিন যাবৎ আসানসোল ব্লাড ব্যাঙ্কে একটু ক্রাইসিস চলছে। যেমন ক্রাইসিস, কোনো সময় এ গ্রুপ নেই, কোনো সময় বি নেই, কোনো সময় ও নেই, কোনো সময় এ বি নেই, মানুষকে ডোনার নিয়ে এসে রক্ত টানাতে হচ্ছে। সেই জন্য আমরা আসানসোলবাসী, কেন পুরো আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রত্যেকের কাছে আবেদন, এই রক্ত ক্রাইসিসের সময় আপনারা নিজের এসে এখানে অমূল্য রক্ত দান করুন। আজকে যেমন আমাদের আর্জেন্ট, আমরা রাষ্ট্রীয় মারোয়ারি সেবা সংঘ, যার উদ্যোগে, যাকে আমরা সাপোর্ট করেছি, ফেডারেশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল বানপুর, যে বানপুর শুরুয়াত করেছিল রক্তদান আন্দোলনে, আমরা চাইব প্রত্যেকে এসে রক্তদান করে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত মজুত রেখে কোনো রোগী কা পরিবার ও রিকুইজিশন ফরম স্যাম্পেল লেকে আয়গা উসকো বিনা পয়সা মে রক্ত দিয়া যায়গা, ইয়ে হাম লোগ কা চ্যালেঞ্জ। ये तीसरा साल अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है कि बच्चा लोग को हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं कि इसी तरह का ये कार्यक्रम करते रहे। ये लोग समाज सेवा भी बहुत रकम की करते हैं, खाना देना, जल का व्यवस्था, ये बच्चा लोग बढ़ रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। क्या हम लोग का तो उम्र हो गया, अभी बच्चा लोग को ही कम से कम प्रोत्साहन कर रहा है जिससे ये लोग आगे बढ़े। और समाज सेवा जो हर काम तो सरकार नहीं कर सकता है, कुछ काम हम लोगों को करना पड़ेगा जो हम लोग करते आए हैं। हम लोग का इन लोग को आशीर्वाद है कि हम लोग का गद्दी लोग संभाले। অনেক বেস্টের জায়গা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এটা আমাদের দরকার। আমরা এটা একটা আনন্দের বিষয়, একটু পরেই আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটা করেছেন ইয়া সাহেব, আমাদের জন্য ডেলিভারি সাহেব রয়েছেন, ইয়ে করবেন তুমি, বাচ্চারা যাও চন্দন দিয়ে সব অতিথিদের বরণ করে নাও। চলে যাও 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 আজকের এই অনুষ্ঠানটি করবো, ইচ্ছে ছিল আরো ভালো করে, ভালো করে ওই দাদারা বলেছিল আমরা কীর্তন টীর্তন করাবো। জায়গাটা হচ্ছে ওখানে, ওখানটাতে ইয়ে মনেশ পূজা শুরু করেছে। রাধা মাধব আই নম, রাধা কৃষ্ণ আই নম, লক্ষ্মীনাথ রাই নম, কালি
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং নির্দেশে আসানসোল কর্পোরেশনের প্রায় 106টা ওয়ার্ডে নতুন করে হেলথ সেন্টার যেখানে নেই সেখানে তৈরি হচ্ছে। আমাদের জাস্ট এক্ষুনি একটু আগে আমরা 21 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা একটা হেলথ সেন্টার উদ্বোধন করে এলাম, যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় 35 লক্ষ টাকা। এবং এটা ওটা করে দিলে আশেপাশের অঞ্চলে আমাদের অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে, সেই গ্রামগুলো মানুষের সুবিধাটা হবে। ফিলহাল তো খবরে বাস এই তো, কিছু তারকে খবরও কে সাথ ফির হোগি আপসে মুলাকাত দিজিয়ে ইজাজত আদাব। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।